भव्य श्री केदारनाथ मंदिर का उद्घाटन डॉक्टर श्री भैयू जी महाराज की उपस्थिति में मुंबई स्थित कुर्ला के नेहरू नगर में पूजा अर्चना के साथ भक्तों के बीच संपन्न हुआ। मंदिर के मेन द्वार पर पूजा और फिर डॉक्टर भैयू जी महाराज के हाथों फीता काटकर और मंदिर के पर्दे को हटाकर भारी भक्तों के साथ भैयू जी महाराज ने मंदिर में आरती की। सर्वप्रथम भगवान केदारेश्वर के चरणों में नतमस्तक होते हुए जीर्णोद्धार का अर्थ होता है कि जिस तरीके से व्रतावस्था में हम शरीर को त्याग कर नव जीवन का प्रारंभ करते हैं, जो श्रीमद् भगवद गीता में जो सिद्धांत दिया हुआ है कर्मों का, उसके आधार पर ठीक उसी प्रकार से वर्तमान में प्रत्येक व्यक्ति जीता है, परंतु उसकी जो उसकी प्रगति है या फिर उसकी जो चाल है वो भविष्य के लिए होती है। तो इसलिए जीर्णोद्धार किसी भी देवालय का इसलिए होता है कि जो ऊर्जा शक्ति है हमारे मानवीय जीवन को संचालित करने वाली, ये ऊर्जा होती है जो आंतरिक ऊर्जा हम प्रकट करते हैं और जो बाह्य ऊर्जा हम ग्रहण करते हैं, इसका समन्वय, इस ऊर्जा का जो है वो जीवन है। तो इसी तरीके से जहाँ जहाँ ऊर्जा है सकारात्मक, जहाँ जहाँ पर ऊर्जा है सकारात्मक, उस सकारात्मक ऊर्जा का जो स्वरूप है वो सद्गुण है और वो सद्गुण का रूप ही देव है। तो इसलिए देवालय का जो महत्व है धर्म में वो इसलिए है क्योंकि ये सद्गुणात्मक व्यवस्था है, सद्गुणात्मक स्वरूप है और सद्गुण ये ऊर्जा का प्रतीक होते हैं और इसी ऊर्जा के स्वरूप को अनेक पीढ़ी प्राप्त कर सके, लाभ प्राप्त कर सके, ऐसा युवा साथी भाई मंगेश जी कुडाळकर साहब और उनके समस्त सहकारियों ने और कुर्ला के समस्त बांधवों ने जिस तरीके से इस मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए, केदारेश्वर महादेव के मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए अपना श्रम दान दिया, अपना भावना दान किया और दान का महत्व जो हमारी संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण भाव है, उस दान के माध्यम से सेवा अन्य सभी मार्गों से जिस तरीके से दान की व्यवस्था हुई है, उस तरीके से हम कह सकते हैं कि केदारेश्वर ने अपना स्वरूप जो है आधुनिक भारत के अनुसार, आधुनिक समाज के अनुसार और आधुनिक मानवता की संवेदना के अनुसार धारण कर लिया है।